नमस्कार दोस्तों, टोटल खबरी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं मेघ सिंह भाटी। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और आज के दौर में लोग कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं तो वहां की फोटोज वगैरह जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर अपनी लोकेशन भी शेयर कर देते हैं, जिसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ अमेरिकी रैपर PNB रॉक के साथ हुआ है। अमेरिकी रैपर PNB रॉक को खाना खाते समय एक रेस्टोरेंट में गोली मार दी गई। गोली लगने से रैपर की मौत हो गई है। 30 वर्षीय अमेरिकी रैपर PNB रॉक को 2016 में आए उनके सेल्फिश गाने को लेकर शोहरत मिली थी। आपको यह भी बता दूं कि उनका असली नाम रैकिम एलन था। वह अपनी प्रेमिका के साथ रेस्टोरेंट आए थे। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस जगह को टैग करने के साथ ही एक तस्वीर भी पोस्ट की थी, जिसे बाद में हटा लिया गया था। पुलिस ने बताया है कि लुटेरों को उनकी लोकेशन का पता लगने पर वे उस रेस्टोरेंट आए और PNB रॉक पर बंदूक तानते हुए धमकी दी थी कि उनके पास जो कुछ भी है वो उन्हें दे दे। बताया जा रहा है कि लुटेरों की नजर रॉक की ज्वेलरी पर थी। ज्वेलरी ना देने पर लुटेरे ने रॉक को गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। अब कातिल की पहचान के लिए रेस्टोरेंट के भीतर लगे CCTV कैमरों की जांच की जा रही है, साथ ही आसपास की दुकानों के कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। तो मित्रों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो अपने लाइव लोकेशन शेयर करने से बचना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर कौन किस तरीके से आप पर नजर रख रहा है ये कोई भी नहीं बता सकता है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।